Dear students, myself Navneet Bhandari and I welcome you to my channel Quantum Academy of Physics. This is video number 3 of chapter Force and Laws of Motion बच्चों और आपको जैसा कि पता लग ही चुका है कि सिलेबस में से बहुत कुछ रिड्यूस हो गया इस चैप्टर में से, यानी कि जो हमने फर्स्ट लॉ पढ़ा था, सेकंड लॉ पढ़ा था डिटेल में और जो मैं आज थर्ड लॉ भी पढ़ाऊंगा आपको, वो आपके सीबीएसई सिलेबस का पार्ट नहीं है कमिंग एग्जामिनेशन के लिए. बट लेट मी क्लियर यू वन थिंग बच्चों कि बिना ये लॉज पढ़े ये चैप्टर करना आपके लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है. अच्छे से अगर समझना है तो आपको हर एक चीज़ को पढ़ना पड़ेगा. तो मैं बिना इस टॉपिक को स्किप किए आपको लेक्चर्स दूंगा, राइट, क्योंकि कॉम्पिटिटिव का ये अभी भी पार्ट है और सीबीएसई में बचे हुए टॉपिक को करने के लिए जानना जरूरी है आपके लिए, ठीक है. तो हम सेकेंड लॉ की एप्लीकेशन रह गई थी हमारी, बाकी डिटेल में हमने पढ़ लिया था. तो सेकेंड लॉ की कुछ डेली लाइफ एप्लीकेशन है वो क्या है, देखो. एक क्रिकेटर हमेशा अपने, देखो लिखा हुआ है, पहले इसको इंग्लिश में पढ़ देते हैं. क्रिकेटर लोअर हिज हैंड वाइल कैचिंग अ बॉल. आपने देखा होगा कि जब भी हम किसी बॉल को कैच करते हैं तो हम अपने हाथों को ऐसे नीचे की तरफ लेकर जाते हैं फिर कैच करते हैं. ऐसा इसलिए करते हैं, देखो रिलेशन क्या अपने पास, एफ इज डी पी बाई डी टी. जितना ये डी टी फैक्टर ज्यादा होता जाएगा उतना इंपैक्ट जो है, इतना जो फोर्स है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा. टू मिनिमाइज द इंपैक्ट ऑफ फोर्स आई विल मैक्सिमाइज द टाइम. समझ पा रहे हो, मैं टाइम बढ़ाने की कोशिश करूंगा ताकि फोर्स जो इंपैक्ट जो आपके हाथों पर लगने वाला है बॉल से वो क्या हो जाए, कम हो जाए. तो यही है, टू इंक्रीज द टाइम ऑफ कोलिजन एंड मिनिमाइज द इंपैक्ट ऑफ फोर्स. तो इस रिलेशन से अपने को पता लग रहा है, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, कॉमन ऑब्जर्वेशन है. ऐसे ही अगर कोई पर्सन सीमेंटेड फ्लोर के ऊपर गिरेगा तो उसको चोट ज्यादा लगेगी, हो सकता है उसकी हाथ बाजू टूट जाए. बट अगर वो एक रेत के ढेर के ऊपर गिरता तो ऐसा नहीं होता. क्यों? क्योंकि फ्लोर और उस पर्सन के बीच में रेत की एक मोटी चादर आ गई. जैसे ही पर्सन रेत पर गिरेगा तो रेत से होकर फ्लोर तक जाने में उसको टाइम ज़्यादा लगेगा अब, और मोमेंटम ट्रांसफर करने में ज़्यादा टाइम लगने से उसका जो इम्पैक्ट है वो क्या, धीरे धीरे कम हो जाएगा. सिमिलरली आपने ये भी देखा होगा कि जो ओलंपिक गेम्स होते हैं, जब कोई एथलीट होता है, जब ट्रिपल जंप हो गया या लॉन्ग जंप हो गया, राइट, तो वो हमेशा एक रेत के ढेर के ऊपर ही कूदता है. वो कभी आपने देखा तो नहीं कुछ छलांगा लगा दे और सीमेंट पे जाके गिरा हो, राइट. तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं हम. ऐसे ही आपकी जो बाइक्स है, बाइक्स में शॉकर्स, वो बड़े बड़े स्प्रिंग्स लगे होते हैं. जैसे ही कोई स्पीड ब्रेकर आता है ताकि इंपैक्ट ज़्यादा ना हो इसलिए बीच में शॉकर्स लगा दिए ताकि कोलिजन का टाइम बढ़ा सके, राइट, ताकि कोलिजन का जो इंपैक्ट है वो कम हो जाए. तो अगर आप टाइम को बढ़ा दोगे तो मोटी मोटी बात यह है कि इंपैक्ट कम हो जाएगा फोर्स का, राइट. तो ये कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है डेली लाइफ की, इसको लिख लेना, नोट्स में भी अवेलेबल है, आपको नोट्स मिल चुके होंगे, अदरवाइज आपको ऐप पर मिल जाएंगे. तो बात करेंगे, हमारे पास दो टर्म आती है, एक आता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और एक आता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. तो जब भी आप इसको अपनी बुक में पढ़ोगे, तो आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगी कि यार इसका मतलब क्या है. तो मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा फिर समझाऊंगा इसका मतलब क्या, ठीक है. देखो इमेजिन वन सिचुएशन कि भाई आप खड़े हो एक प्लेटफॉर्म पर, यू आर स्टेशनरी हियर, और आपके सामने क्या गई, एक बस गई. आपको ये समझ आ रहा है कि भाई जब आप बस को देख रहे हो तो बस पर डेफिनेटली कोई सामने की तरफ फोर्स लग रहा होगा जिसकी वजह से बस की एक्सेलरेशन भी सामने की तरफ है. दिस इज इजी टू अंडरस्टैंड. आपको समझ आ रहा है कि भाई जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है बॉडी उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रही है, कोई बड़ी बात नहीं. जस्ट इमेजिन वन मोर सिचुएशन कि आप रोड पर खड़े हो और आपने ये देखा कि एक बस है अगेन, और इस बस के अंदर एक पेंडुलम लटका हुआ है. सी, अगर ये बस सामने की तरफ एक्सेलरेट हो रही होगी, फोर्स सामने की तरफ है, बस सामने की तरफ एक्सेलरेट हो रही होगी, लेकिन जब आप इस मूविंग बस के अंदर इस पेंडुलम को ऑब्जर्व करोगे तो आपको ये नजर आएगा कि बस सामने की तरफ जा रही है लेकिन ये पेंडुलम पीछे की तरफ ऐसे आ गया, ठीक है. तो यानी कि आपने ये देखा कि भाई बस पर फोर्स सामने लग रहा है, एक्सेलरेशन बस की सामने, लेकिन जब आप पेंडुलम को देख रहे हो पेंडुलम की एक्सेलरेशन तो बैकवर्ड है, पेंडुलम पे तो फोर्स बैकवर्ड लग रहा है जबकि इस पे तो सामने फोर्स लगना चाहिए था. तो आपने ये पाया कि न्यूटन के जो लॉज है वो यहां पर तो वैलिड हो रहे हैं लेकिन यहां पर पेंडुलम पर वैलिड नहीं हुआ वो चीज, ठीक है. एक कंसेप्ट और देखते हैं, मतलब पेंडुलम के अलावा एक चीज और अपने पास. अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि सपोज एक ग्लास है और ग्लास के अंदर है बेटा पानी,
ठीक है, अगर इस ग्लास को आप सामने की तरफ फोर्स लगाओगे, ये ग्लास सामने की तरफ एक्सेलरेट होगा, तो आप अगर इस ग्लास को ही ऑब्जर्व कर रहे हो तो आपको नजर आ रहा कि न्यूटन्स के लॉ वैलिड है, लेकिन अगर आप इस ग्लास के अंदर प्रेजेंट इस वाटर को ऑब्जर्व करोगे तो आपको ये नजर आएगा कि वाटर को ना ऐसे एक पीछे की तरफ इस तरह से एक फोर्स लगा, वाटर जा रहा है पीछे की तरफ, ग्लास जा रहा है आगे की तरफ। तो यानी कि अगेन आप फिर आप कंफ्यूजन में आ गए कि भाई ग्लास तक तो समझ आ रहा था जब तक मैं इस ग्लास को ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि सामने की तरफ और सामने की तरफ एक्सेलरेशन, लेकिन वाटर में ये चीज एप्लीकेबल नहीं हो रही है। तो बच्चों आपको ये समझना है कि जब आपका फ्रेम आपका फ्रेम इनर्शियल है, इनर्शियल मतलब कि रेस्ट पर, यानी कि आपने क्या देखा कि भाई ये ग्राफ अगर आप प्लॉट करो तो आप इट इज इजी टू अंडरस्टैंड कि भाई ये वीटी ग्राफ है, अगर बस कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से जा रही है, अगर बस के पास कोई यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो वीटी ग्राफ ऐसा होगा, आप प्लॉट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको बोलो कि भाई यही ग्राफ ना आप इस पानी के लिए प्लॉट करो, या यही ग्राफ आप इस पेंडुलम के लिए प्लॉट करो जो एक मूविंग बस के अंदर मूविंग ऑब्जेक्ट है, तो वहां पर आपको नजर आएगा कि वहां पर आपका पूरा फ्रेम ही एक्सिलरेट कर रहा है। मतलब ये तो आपने एक वीटी ग्राफ बना दिया, तो आपको नजर आ रहा है अंदर भी एक वी डैश टी डैश ग्राफ बन रहा है, राइट। ये तो क्या बस मूव कर रही है और उसके अंदर क्या, उसके अंदर पेंडुलम मूव कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन को मैं बोलता हूं कि ये नॉन इनर्शियल है, जब आपका पूरा का पूरा फ्रेम ही मूव कर रहा हो। तो इसको एज अ डेफिनेशन याद कर लो, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो फ्रेम विच इज एट रेस्ट और मूविंग विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, अल्टीमेटली एक्सेलरेशन जीरो होनी चाहिए, कहने का मतलब ये है, राइट। तो उसको बोलूंगा मैं क्या, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जहां पर न्यूटन के सभी लॉ वैलिड है। बट अगर मैं बात करूं उस फ्रेम की जो खुद ही मोशन में और उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को जो एक आप मूविंग ऑब्जेक्ट के अंदर देख रहे हो, तो वहां पर उस ऑब्जर्वेशन का मतलब होगा कि आप नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आ गए, वहां पर न्यूटन के लॉ वैलिड नहीं है, राइट। तो यही दो बातें थी, ये डेफिनेशन तक रहो अभी, इसके आगे चलते हैं, ठीक है। ये डेफिनेशन जस्ट आपको समझाने के लिए लिखी है मैंने। अब बच्चों एक और टर्म आपको बता रहा हूँ, इम्पल्स, हालांकि ये भी सिलेबस से कट चुकी है, बट मेरा फर्ज है आपको एक एक चीज डिटेल में बताना। तो इंपल्स का मतलब क्या होता है बच्चों, इंपल्स कैन बी डिफाइंड एज व्हेन लार्ज फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। जब किसी बॉडी पर बहुत कम वक्त के लिए बहुत लार्ज फोर्स एक्ट करे तो आप बोलोगे ये इम्पल्स है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं, जैसे कि आपने बोला कि भाई ये जैसे कि एक दीवार है, दीवार पर कोई बॉल आई बहुत तेजी से हिट करी और ऐसे चली गई, तो मैं बोलूंगा कि इस दीवार पर जब ये बॉल टकराई एम मास की, इसने बहुत ही कम टाइम में मोमेंटम ट्रांसफर करा दीवार में और वापस चली गई, तो टाइम ऑफ कॉन्टेक्ट बहुत नेग्लेजिबल है, राइट। तो बोलूंगा कि यहां पर इस बॉल ने इम्पल्स यहां पर जनरेट करी। या अगर मैं क्रिकेट की बात करूं, क्रिकेट में सपोज करो मैं बैटिंग कर रहा हूं, सामने से बॉल आई, जैसे मैंने उसको हिट करा, हिट करते ही फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में उस बॉल का मोमेंटम चेंज कर दिया मैंने, तो मैं बोलूंगा कि मैंने बॉल के अंदर इंपल्स प्रोड्यूस कर दी। इंपल्स बायोलॉजी में आप पढ़ते हो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस, जो बॉडी में आपके वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स चल रहे हैं, राइट। जितना मुझे याद है बायोलॉजी, उसमें कुछ ऐसा था एक्सोन डेंड्राइट लाइक नर्व एंडिंग, ये सब कुछ आप पढ़ कर आए हो, तो वहां पर भी इंपल्सिस वर्ड आप पढ़ते हो, ठीक है। तो फिजिक्स में इंपल्स का मतलब है कि बहुत ज्यादा फोर्स जब एक बॉडी पर एक्ट करेगा बहुत छोटे से टाइम के लिए, ठीक है। तो इंपल्स को जनरली हम डिनोट करते हैं आई वेक्टर से, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी ये लिख देता हूं यहां पर, क्योंकि पहले स्केलर फॉर्म लिखता हूं। इंपल्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, फोर्स इंटू में टाइम, ठीक है, दिस इज फॉर्मूला फॉर इंपल्स। तो अगर वेक्टर फॉर्म में लिखू तो यह क्या होगा, आई वेक्टर इंटू में एफ वेक्टर टाइम। यहां पर अगर मैं डेल्टा टी लिखूं तो ज्यादा सुटेबल रहेगा, क्योंकि टाइम इंटरवल बहुत कम होगा, राइट। फोर्स इनटू टाइम, लेकिन टाइम बहुत कम। इवन तक कि मैं इसको अगर डिफरेंशियल फॉर्म में लिखूं तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, एफ वेक्टर डॉट डी टी, राइट। और ये इंटीग्रेशन लगा देता हूं कि टाइम इंटरवल कुछ भी हो सकता है, टी वन से टी टू, है ना। डी टी लगा देता हूं, यानी कि इंटीग्रेट कर सकता हूं, मान लो कि 2 से 2.5 सेकंड के बीच में बताओ, तो डिफरेंशियल। अब चलो डिफरेंशियल फॉर्म ना हम ग्राफ से समझेंगे इसकी भी फिलहाल, ये इसका फॉर्मूला। अच्छा, इंपल्स की डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन विल बी सेम एज डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा वही डायरेक्शन इंपल्स की होगी बच्चों। अच्छा, अब देखो एक चीज और, तो यहां से अगर मैं डिफाइन करूं तो एफ वेक्टर डिफाइन हो रहा है आई वेक्टर अपॉन में डेल्टा टी, ठीक है।
ओके बट एफ वेक्टर को तो मैं ये भी लिख सकता हूँ, अगर आपको ध्यान हो डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा टी, ये भी लिखा जा सकता है डेल्टा पी वेक्टर अपॉन में डेल्टा टी। तो अगर मैं देखूं कि दोनों का राइट हैंड साइड कंपेयर करूं तो ये आ जाएगा आई वेक्टर अपॉन में डेल्टा टी, ये आ जाएगा डेल्टा पी वेक्टर अपॉन में डेल्टा टी। तो यानी कि इम्पल्स बेसिकली ऐसे भी डिफाइन हो सकती है, इम्पल्स इज बेसिकली डेल्टा पी। इम्पल्स का मतलब क्या हुआ बेटा, चेंज इन मोमेंटम। इम्पल्स का यही तो मतलब हो यार, बॉडी किसी बॉडी से टकराई, मोमेंटरी तौर पर टकराई और एकदम उसी वक्त उसका मोमेंटम चेंज हो गया। मान लो ये बॉल आ रही थी 1 kg की 150 की स्पीड से, जैसी टकराई और ऐसे इधर चली गई इस डायरेक्शन में 1 kg की, और मान लेते हैं कि हम 150 की स्पीड से ही गई, क्लियर। तो इस दौरान इसका मोमेंटम चेंज होने का जो टाइम था वो बहुत कम था। सी इसके बाद अगर मैं और डिटेल में जाऊं तो ये भी लिख सकता हूं इसको बेसिकली, आई क्या होगा स्केलर फॉर्म में एम वी माइनस एम यू, क्लियर। तो बेसिकली इम्पल्स क्या है, इम्पल्स को ये भी बोल सकता हूं कि इट इज बेसिकली चेंज इन मोमेंटम। सिलेबस का पार्ट नहीं है बट आपको पता होना चाहिए बच्चों, इसलिए मैं ये बेसिकली इतना पेन ले रहा हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। अच्छा एक छोटी मोटी बातें और लिखवा देता हूँ आपको, देखो जरा। अगर मुझे गिवन हो कि फोर्स टाइम ग्राफ, अगर मुझे फोर्स टाइम ग्राफ गिवन हो लाइक दिस ऐसे, और मुझे बोला हो कि भाई ये वाई एक्सिस में फोर्स है, ये टाइम है, तो इसका मतलब क्या है कि फोर्स क्या कॉन्स्टेंट है। इस पर्टिकुलर ग्राफ से अगर मुझे इंपल्स निकालनी है तो इंपल्स को मैं क्या बोल सकता हूं कि इट इज बेसिकली एरिया ऑफ फोर्स टाइम ग्राफ, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि भाई एक फोर्स टाइम ग्राफ आपको दे दिया राइट, तो आप इस एरिया को शेड करो, ये एरिया शेड करते ही आपको क्या मिल जाएगा, इंपल्स मिल जाएगा। यकीन नहीं आता तो एक बार वो ग्राफ याद करो, अगर मान लो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता ये, तो इसको जब आप शेड करते एस इज इक्वल टू क्या होता है वीटी, तो इससे आपको क्या मिलती थी डिस्प्लेसमेंट। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि फोर्स टाइम ग्राफ का अगर आप एरिया शेड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगी, इंपल्स मिल जाएगी। तो अगर कोई ग्राफिकल क्वेश्चन आ जाए कॉम्पिटिटिव में, सीबीएसई में, तो खैर इस साल नहीं आएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई हाँ एरिया शेड भी हम कर सकते हैं। इसी के साथ सी अगर ये ग्राफ वेरिएबल होता कुछ ऐसा होता फोर्स टाइम ग्राफ, तो एरिया तो कैसे निकालता है, एरिया तो ना निकाल पाते तब, है ना। अगर मान लो ये ग्राफ कुछ ऐसा होता बच्चों इस तरह का, तो आप क्या करते, देखो आपको पता है कि भाई यहाँ पर तो एरिया निकालना इम्पॉसिबल है क्योंकि ऐसी फिगर का एरिया आप नहीं जानते, तो आप क्या करते बीच में एक स्ट्रिप कट करते हैं ऐसे। जिन बच्चों ने मेरे इंटीग्रेशन का लेक्चर अच्छे से लगा रखे उसको पता होगा, ये एफ हो गया आपके पास वर्टिकल एक्सिस, ये क्या हो गया कोई डेल्टा डी टी स्मॉल टाइम डी टी राइट, ये देखो रेक्टेंगल जैसे स्ट्रिप नजर आ रही है, ये स्मॉल टाइम क्या हो गया डी टी, ये क्या हो गया एफ। तो आप क्या करोगे एफ डॉट डी टी कर दोगे और लिमिट ले लोगे टी वन से टी टू। अब अगर आप चाहते हो कि जीरो से टी इंटरवल तक निकालो तो टी वन इज इक्वल टू जीरो, टी टू इज इक्वल टू टी। आप चाहते हो कि टी वन से टी फाइव तक निकालो तो टी वन इज इक्वल टू टी और टी टू इज इक्वल टू टी फाइव। मतलब आप इंटीग्रेशन का यूज करके भी इंपल्स निकाल सकते हो। तो अच्छा आपको ना मैं अप्लाई करके दिखाता हूँ और कैसे आपसे इंपल्स पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ग्राफ से आई होप आपको समझ आ गया होगा, वेरिएबल ग्राफ में इंटीग्रेशन लगेगा, इंटीग्रेशन आपको निकालना आता है, क्लियर। तो इसमें मैं क्वेश्चन करा भी देता हूँ आपको, जैसे कि अगर मैं आपको ये बोल दूं बच्चों, अगर मैं आपको ये बोल दूं कि भाई फोर्स इज फंक्शन ऑफ टाइम और गिवन है आपको 2t+4, फाइंड इंपल्स फॉर t इज इक्वल टू 0 सेकेंड, 2t इज इक्वल टू 10 सेकेंड। तो इसको करने का तरीका क्या है, आप देखो आपको दे रखा है फोर्स क्या है 2t+4, तो आपको पता है कि अगर आपने इंपल्स निकालने तो आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन एफ डॉट डी टी और टाइम की लिमिट क्या 0 से 10, तो आप कर दो 0 से 10। लो जी 0 से 10 करोगे तो कैसे आएगा आंसर, देखो 0, अच्छा एफ की वैल्यू डाल दो यहाँ पर क्या है 2t+4, साथ में क्या है डी टी, 2t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 2t² / 2 प्लस 4 का इंटीग्रेशन क्या होगा 4t। इंटीग्रेशन की वीडियो अच्छे से देख लो भाई, इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेरे प्लेलिस्ट पर मौजूद है इसी चैनल की। अब यहाँ पर जब आप सोल्व करोगे तो आपको नजर आ रहा है ये बचा t² + 4t और स्क्वायर ब्रैकेट्स में 0 से 10। अब अगला स्टेप क्या होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 100 प्लस 40। एक बार आपने 10 पुट करा टी की जगह पर और एक बार माइनस 0 पुट कर दो,
तो जीरो आ जाएगा, यानी कि इसका आंसर होगा बच्चों 140। ठीक है, इंपल्स की यूनिट क्या होगी, फोर्स इंटू टाइम है, यानी कि न्यूटन इंटू सेकेंड, तो यहाँ लगा दो न्यूटन सेकेंड, राइट। तो इस तरह से आप इंपल्स के क्वेश्चन कर सकते हो, टॉपिक सीबीएसई के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है अगर आप सिर्फ सीबीएसई कर रहे हो तो, लेकिन लिख लो काम बहुत आएगा आपके ये। तो बच्चों अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि न्यूटन थर्ड लॉ बेसिकली क्या है, और न्यूटन थर्ड लॉ में अब तक आप जो पढ़ रहे थे क्या बातें मिसिंग थी उसके अंदर। ठीक है, थर्ड लॉ अगर किसी को भी पूछो तो हर एक को पता होता है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बट इसके आगे की बात क्या है, अगर हर एक एक्शन के लिए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन है फिर तो कोई बॉडी मूव ही ना करे। सपोज करो अगर मैं किसी गन में बुलेट को डालूं और फायर करने की कोशिश करूं, तो बुलेट गन बुलेट पे फोर्स लगा रही है मान लो एफ, अपोजिट रिएक्शन है अगर, तो बुलेट भी गन पर उतना ही फोर्स लगाएगी, तो फिर गन और बुलेट आगे पीछे क्यों जा रही है, बुलेट आगे चली गई गन पीछे चली गई, ऐसा क्यों? फिर तो गन को भी उसी रफ्तार से पीछे जाना चाहिए ना जिस रफ्तार से बुलेट आगे गई। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल अपोजिट रिएक्शन। तो इस बात से थोड़ा सा बाहर निकलो बच्चों, इस बात से थोड़ा सा बाहर निकलो, देखो सामने। तो देखो पहली बात, इस दुनिया में कोई भी सिंगल फोर्स एक बॉडी पर एक्ट होता हुआ आपको मिले ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है, हमेशा फोर्सेस पेयर में होंगे। अगर मैं इस दीवार पर भी फोर्स लगाऊं, मतलब इस बोर्ड पर भी फोर्स लगाऊं, तो मेरा फोर्स अंदर की तरफ है तो उसी वक्त नॉर्मल रिएक्शन बाहर की तरफ आ जाएगा। अगर मैं धरती पर भी खड़ा हूं तो mg नीचे की तरफ, तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ। अब आप बोलोगे सर आप तो बोल रहे हो कि फॉर एवरी रिएक्शन देयर इज इक्वल अपोजिट रिएक्शन, ये तो आपकी बात गलत होगी, आप तो बैलेंस हो रहे हो, आप तो अगर खड़े हो तो मूव ही नहीं कर रहे हो। तो देखो एक चीज इंपॉर्टेंट है यहां पर जानना कि क्या एक्शन रिएक्शन एक ही बॉडी पर लग रहे हैं। अगर देखो आपको ऐसे में समझाता हूं, मान लो ये ब्लॉक एक, आई होप कि नजर आ रहा होगा, अगर इस ब्लॉक पर यहां से 10 न्यूटन लगे और यहां से भी 10 न्यूटन लगे, तो आप क्या बोलोगे कि एक ब्लॉक पर एक फोर्स लग रहा है ऐसे और दूसरा भी फोर्स लग रहा है ऐसे और ये ब्लॉक रेस्ट पर है। ठीक है, अब थिंक अबाउट दिस सिचुएशन कि भाई एक ग्राउंड के ऊपर एक बुक रखी हुई है या ब्लॉक रखा हुआ है सॉरी, इसका वेट है mg नीचे, तो ये mg वेट किसके ऊपर लगा, इस mg को मैं एक्शन बोल रहा हूं ना, एक्शन किसके ऊपर लगा, आपको नहीं लगता कि एक्शन ग्राउंड के ऊपर लगा है? ओके, तो इस mg को बैलेंस करने के लिए जो नॉर्मल रिएक्शन लगा, ये रिएक्शन किसके ऊपर लगा, आपको नहीं लगता कि ये रिएक्शन ब्लॉक के ऊपर लगा? तो देखो रिएक्शन लग रहा है ब्लॉक के ऊपर और एक्शन लग रहा है ग्राउंड के ऊपर, तो हाउ कैन दे बैलेंस? बैलेंस होने के लिए बैलेंस फोर्स वो होगा जो एक ही बॉडी पर दो साइड से लगे, ऐसा नहीं होगा कि एक बॉडी पर दूसरा फोर्स लगा दूसरी बॉडी पर दूसरा लग रहा है, तो इस मिथ से बाहर निकलो। तो क्वेश्चन यही आता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन अल्टीमेटली अनफॉर्चुनेटली सिलेबस से ये भी कट चुका है न्यूटन थर्ड लॉ, बट मेरा फर्ज है इसको बताना ताकि आपको गहराई आए अगले कंसेप्ट को जानने में। एक्शन रिएक्शन पेयर डज नॉट कैंसिल ईच अदर, व्हाई? बिकॉज एक्शन रिएक्शन फोर्सेज एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, जैसे कि यहां पर ब्लॉक रखा है तो ग्राउंड पर लग रहा है एक्शन लेकिन ब्लॉक पर लग रहा है रिएक्शन। एक्शन रिएक्शन पेयर हमेशा सेम स्ट्रेट लाइन में एक्ट करेंगे, या मैं ये बोल दूं कि एक्शन रिएक्शन पेयर कोलिनियर वेक्टर्स है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये हो गया सेम स्ट्रेट लाइन में फोर्स एक्ट कर रहे हैं, जैसे कि मान लो अगर मैं दीवार को फोर्स लगाऊंगा तो बदले में दीवार भी इसी डायरेक्शन में इसी लाइन के अलोंग मुझ पर फोर्स लगाएगी, अगर मैं धरती पर खड़ा होऊंगा, अगर मैं धरती पर ऐसे फोर्स लगा रहा हूं तो धरती मुझ पर ऐसे फोर्स लगाएगी अलोंग सेम स्ट्रेट लाइन, राइट? तो मैं बोल रहा हूं कि एक्शन रिएक्शन फोर्सेज आर कोलिनियर या दे एक्ट अलोंग सेम स्ट्रेट लाइन। दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ, बेसिक डेफिनेशन इतनी सी है, लेकिन ये एडिशनल बातें जो आपको पता होनी चाहिए। इस दुनिया में कोई भी सिंगल फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता, एक्शन रिएक्शन पेयर एक बॉडी पर एक्ट नहीं करते, दो अलग अलग बॉडीज पर एक्ट करते हैं, और एक्शन रिएक्शन पेयर एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते। आई होप कि आपको ये बात समझ आई होगी, नोट डाउन करो और फिर हम चलते हैं कुछ आगे, कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पर। चलो अब एक प्रैक्टिकल सी एप्लीकेशन करते हैं जो बहुत ज्यादा यूज भी करूंगा मैं आगे, ठीक है? एक प्रैक्टिकल सी एप्लीकेशन ही है बच्चों, मान लो एक पुली है और पुली से एक ब्लॉक लटका दिया हमने, ये कैपिटल एम, इसके दूसरे साइड हमने लटका दिया एक ब्लॉक स्मॉल एम, डेफिनेटली हेयर एम इज ग्रेटर देन एम, ठीक है? अगर एम ग्रेटर देन एम है तो आपको नहीं लगता कि ये ब्लॉक जो M है ये नीचे की तरफ ऐसे जाएगा और ये ब्लॉक ऊपर की तरफ ऐसे जाएगा, है ना? ये ऐसे सिचुएशन देखने को मिलेगी, ये ब्लॉक M आ गया नीचे की तरफ, ये स्मॉल M आ गया ऊपर की तरफ। आपसे मैं ये पूछ रहा हूं कि इस पुली ब्लॉक सिस्टम में व्हाट इज एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड
एंड टेंशन इन स्प्रिंग, बताओ जरा। तो देखिए, देखो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको देखो दो चीजें समझनी पड़ेगी कि मुझे इसको फ्री बॉडी डायग्राम से करना है जो कि सबसे इजी रहेगा और सबसे एक्यूरेट रहेगा, आपके लिए इजी टू अंडरस्टैंड रहेगा, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यहां पर एक ही स्ट्रिंग है तो टेंशन भी सेम होगी, यानी कि यहां पर टेंशन टी ऊपर, यहां पर टेंशन टी ऊपर, अपोजिट टू मास, राइट। अब देखो एक मिनट के लिए इस ब्लॉक को अलग करो, कैपिटल एम को, राइट, इसको मैं यहां पर बना रहा हूं। अब आपको नजर आ रहा है कि इसके ऊपर फोर्स लग रहा है टी, लेकिन इसका खुद का वेट कहां एक्ट कर रहा है, नीचे। अब अगेन जो आपको समझना है कि ये ब्लॉक जा कहां पर रहा है, ये ब्लॉक तो नीचे जा रहा है ना, ये ब्लॉक कहां पर जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। तो यानी कि अगर मुझे नेट फोर्स निकालना हुआ तो नेट फोर्स क्या होगा, क्या एम जी माइनस टी नेट फोर्स होगा? देखो एक ही अपना लाइन पे एक्ट करो और एंगल कितना 180 डिग्री, तो mg माइनस टी लिख दूं, क्या mg माइनस टी नेट फोर्स से एक्सेलरेशन आ रही होगी इसी m मास के अंदर? तो मैंने क्या लिख दिया, mg माइनस टी इज गिविंग एक्सेलरेशन टू दिस ब्लॉक ऑफ मास m। अब यहां से इसको नाम दे दो इक्वेशन वन। सिमिलरली अब दूसरा ब्लॉक उठाओ जो स्मॉल मास m है, इसको भी मैंने ऐसे बनाया छोटू ब्लॉक को, अब इस पर भी ऊपर टेंशन टी लग रही है, नीचे क्या लग रहा होगा mg, लेकिन कहानी यहां पर है कि एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, यहां एक्सेलरेशन नीचे की तरफ थी। तो यानी कि यहां पर अगर नेट फोर्स बनाऊं, नेट फोर्स यहां पर कितना होगा, देखिए तो यहां पर जो नेट फोर्स होगा बच्चों वो क्या होगा, टी की तरफ ये ब्लॉक मूव कर रहा है, तो यानी कि टी ग्रेटर हुआ और एम जी छोटा हुआ, इस नेट फोर्स की वजह से इसमें एक्सेलरेशन आ रही होगी ए। तो यानी कि सेकेंड इक्वेशन क्या बनी, टी माइनस एम जी equals to ma, और ये हो गया आपके पास सेकंड इक्वेशन, क्लियर है। नाउ देयर आर टू इक्वेशंस बच्चों, अगर आपको एक्सेलरेशन निकाल, देखो दो चीजें, दो वेरिएबल है एक्सेलरेशन और टेंशन, और दो ही इक्वेशन है आपके पास, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो। जब आप ऐड करोगे तो देखो इक्वेशन वन लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड जुड़ी जाएगी, एम जी माइनस देखो कैपिटल एम जी माइनस टी प्लस टी माइनस स्मॉल एम जी, और यहां पर क्या जाएगा एम ए प्लस एम ए, है ना। इक्वेशन वन और टू को जब ऐड करोगे तो ये बन जाएगा आपके पास। तो यहां से देखो टी एलिमिनेट हो गया, तो क्या बचा, एम जी माइनस स्मॉल एम जी इक्वल्स टू एम ए प्लस एम ए, यहां से एक्सेलरेशन को कॉमन लो तो ये आ जाएगा आपके पास एम प्लस एम, इसको लिख देता हूं मैं, ये आ जाएगा एम प्लस एम और ए, और यहां पर आ जाएगा एम माइनस एम में से कॉमन जी, यानी कि अगर एक्सेलरेशन निकालोगे बच्चों तो ये आएगी m माइनस एम इंटू में जी अपॉन में m प्लस एम। दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट टेंशन और सॉरी एक्सेलरेशन, क्लियर। अब देखो अगर मैं इसको प्रैक्टिकली अगर देखूं, अब कोई एंगल में ले जाता हूँ इसको जरा ऐसे, अगर मैं आपको ये बोलता बच्चों कि मान लो ये ब्लॉक है 10 kg का और ये ब्लॉक है 5 kg का और एक्सेलरेशन पूछता, तो आप कैसे निकालते, कैपिटल बड़े मास में से छोटा मास माइनस करो, साथ में क्या है जी, तो मल्टीप्लाई बाय 10 कर देता हूं और दोनों मास का एडिशन, यानी कि 10 प्लस 5, तो इसका सीधा सा आंसर क्या आता बच्चों, 5 डिवाइड बाय 15 इनटू में 10, यानी कि 3.3, राइट। इस तरह से मैं इसको सॉल्व कर देता, एक्सेलरेशन निकालना समझ आ गया होगा बच्चों। बट हमने देखो इस रिजल्ट को रटना नहीं है, हमने तो क्या लॉजिक से करना है ना, हमने फ्री बॉडी डायग्राम से करना है इसको। अगर आप टेंशन निकालना चाहते हो बच्चों, तो टेंशन निकालने के लिए देखो क्या करो, इस ए को यहां पर पुट कर दो, इस ए को आप यहां पर पुट कर दो किसी भी एक इक्वेशन में, जब आप ए को इस इक्वेशन में पुट करोगे तो टेंशन जो आएगी वो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, जो टेंशन आएगी वो आएगी 2mm अपॉन में m प्लस m इनटू में g। तो ये काम आपको मैं दे रहा हूं, ये आपने खुद से ट्राई करना है कि एक्सेलरेशन को यहां पर ए में पुट कर दो, राइट, और टेंशन निकाल देना क्या आएगी इक्वेशंस बनाकर, ठीक है। तो ये काम आप खुद से कर लेना और अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, ठीक है, अब एप्लीकेशन में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अब हम करते हैं एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट, ये बड़ी फेमस प्रॉब्लम है, इसको बोलते हैं लिफ्ट प्रॉब्लम। आपने फील किया होगा जब भी आप किसी लिफ्ट में ऊपर या नीचे जाते हो तो आपको दिल में थोड़ी धक-धक सी होती है, ऐसा लगता है कि बॉडी का वेट कहीं ना कहीं शिफ्ट हो रहा है ना। कंसेप्ट को समझते हैं बच्चों, आज का लेक्चर मैं थ्योरेटिकल बना रहा हूँ, कंसेप्चुअल बना रहा हूँ,
क्योंकि इसके बाद जब मैं सारे कंसेप्ट करा दूंगा तो बहुत खतरनाक खतरनाक अच्छे अच्छे लेवल के हम प्रॉब्लम्स करेंगे। तो मेरा मेन मोटिव क्या था कि कंसेप्चुअली अच्छे से आपको एक बार लेक्चर दे दिया जाए ताकि आप कंसेप्ट को अप्लाई करना सीख जाओ। तो देखो, लिफ्ट प्रॉब्लम में सबसे पहला जो केस लेकर चलते हैं हम कि लिफ्ट इज गोइंग अपवर्ड, ठीक है, लिफ्ट इज गोइंग अपवर्ड। अच्छा, तो लिफ्ट अगर ऊपर की तरफ जाएगी तो मैं एक पर्सन को बना रहा हूं यहां पर, ये लिफ्ट बना ली हमने और यहां पर एक पर्सन बना लिया, ठीक है। अब आपको पता है कि पर्सन का जो वेट है एम जी नीचे की तरफ है और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ कितना जाएगा, आर। लेकिन क्योंकि लिफ्ट ऊपर की तरफ किसी एक्सेलरेशन से जा रही है, अगर मैं यहां पर फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊ इस पर्सन का, तो ये नजर आ रहा है कि भाई आर ऊपर की तरफ है, एम जी नीचे की तरफ है, लेकिन एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ आ रही है। तो इसका मतलब जो नेट फोर्स हुआ वो क्या हुआ, आर माइनस एम जी। अरे नेट फोर्स क्या हुआ पर्सन का, आर माइनस एम जी, क्योंकि पर्सन के अंदर एक्सेलरेशन है लिफ्ट के साथ साथ। तो मैं क्या लिख दूंगा, आर माइनस एम जी इज गिविंग एक्सेलरेशन टू दिस मास एम ए। देखो सीधी सी बात है ना, देखो नेट फोर्स क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। तो नेट फोर्स का मतलब क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, दिस इज नेट फोर्स। तो नॉर्मल रिएक्शन कितना आ गया उस वक्त आपका, जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है, एम जी प्लस एम ए। यानी कि उस केस में आपको जो बॉडी का वेट मिला वो क्या मिला, जी प्लस ए। यानी कि बॉडी का जो वेट है बच्चों, जब लिफ्ट ऊपर जाएगी तो वेट क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीज हो जाएगा। क्यों इंक्रीज हो जाएगा, देख लो आप, नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा आ गया आपका, है ना। अब देखो इसके बाद सेकंड सिनेरियो लेकर चलते हैं। अब अगर यही लिफ्ट नीचे की तरफ जाती तो क्या होता, अगर ये लिफ्ट नीचे जाएगी तो देखो, अगर ये लिफ्ट नीचे जाएगी लाइक दिस, राइट, तो देखो वही मैं बना रहा हूं पैर पहले की तरह, एम जी नीचे, नॉर्मल रिएक्शन आर ऊपर, ठीक है। अब अगर मैं देखूं ध्यान से, अगर फोर्सेस का पेयर बनाऊं तो ये आर ऊपर, एम जी नीचे, और मोशन का है नीचे की तरफ ए, ठीक है। तो इससे अपने को ये समझ आ रहा है बच्चों कि इस बार एम जी की वैल्यू आर से ज्यादा है और पर्सन नीचे की तरफ जा रहे हैं, राइट। तो नेट फोर्स क्या होगा इस बार, एम जी माइनस आर, और दिस नेट फोर्स प्रोड्यूसिंग एक्सेलरेशन टू दिस मास, सो दैट्स व्हाई नाउ आर विल बी व्हाट, एम जी माइनस एम ए। तो आर इस बार क्या मिला बच्चों आपको, एम जी माइनस ए। देखो एम जी में से कुछ ना कुछ माइनस होगा, एम जी में से कुछ ना कुछ माइनस होगा, यानी कि बॉडी का वेट जब भी लिफ्ट नीचे की तरफ आएगी किसी एक्सेलरेशन से तो वेट क्या होगा बच्चों, डिक्रीज होगा। आई होप कि आपको दोनों केसेस समझ आए होंगे, है ना। लिफ्ट ऊपर जाएगी तो क्या होगा और लिफ्ट नीचे आएगी तो क्या होगा। चलो अब थर्ड केस देखिए बच्चों, थर्ड केस देखे, तो थर्ड केस भी देख लेते हैं हम। नाउ थर्ड केस इज लिफ्ट इज गोइंग अप विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। अगर किसी कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से लिफ्ट ऊपर जाएगी, अगर लिफ्ट किसी कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जाएगी, v कॉन्स्टेंट है यहां पर, v कॉन्स्टेंट का मतलब एक्सेलरेशन क्या होगी, जीरो हो गई बच्चों। तो ऊपर की तरफ r, नीचे की तरफ mg। अब देखो कॉन्स्टेंट का मतलब क्या होगा, एक्सेलरेशन जीरो। अब यहां पर अगर मैं इक्वेशन लगाऊं, क्योंकि लिफ्ट ऊपर जा रही है तो डेट मीन्स आर ज्यादा होगा किससे, एम जी से। अरे आर माइनस एम जी, आर ऊपर एम जी नीचे, लेकिन लिफ्ट ऊपर जा रही है, आर माइनस एम जी इज इक्वल टू व्हाट, एम ए। बट इस केस में एक्सेलरेशन क्या होगी, जीरो, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, कॉन्स्टेंट। तो यानी कि इस केस में आपको बिल्कुल वही वेट फील होगा जो आपका एक्चुअल में है। जनरली कई लिफ्ट जो अच्छी मतलब अगर आप किसी अच्छे मॉल में जाओगे तो आपको ये फील होता है कि लिफ्ट तो जा रही है ऊपर, लेकिन आपको कुछ हलचल फील नहीं हुई, क्योंकि उनको इस बात का ध्यान है कि कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से आराम आराम से ऊपर, आराम आराम से तो नहीं, मतलब एक वेलोसिटी है जिसमें चेंज नहीं लेकर आना, उससे आपको कुछ भी फील नहीं होगा। लेकिन कई बार क्या होता है, दिल घबराने से लग जाता है जब एकदम आप बहुत ऊपर जाते हो, बहुत नीचे आते हो लिफ्ट से, है ना। तो अगर वेलोसिटी कॉन्स्टेंट कर दी जाए तो वेट पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो मैं लिख रहा हूं यहां पर नो चेंज, ठीक है बच्चों। अगर ये सिनेरियो ऐसे होता कि लिफ्ट नीचे आ रही है तब क्या होता, तब ये होता एम जी माइनस आर इज इक्वल टू जीरो, तब भी क्या आता, नो चेंज आता, है ना।
तो ये दोनों के लिए आप केस खुद से बना लेना और इसको नोट डाउन कर लेना बच्चों। मे भी शायद मैंने हैंड रिटन नोट्स में ये वाला टॉपिक नहीं डाला था क्योंकि ये टॉपिक मैंने लेक्चर 4 के लिए बचा रखा था, बट एक्सीडेंटली मैं इसमें करा चुका हूँ, तो आप प्लीज इसको नोट्स में ऐड कर लेना, ठीक है। चलो, और क्या केस बन सकता है लिफ्ट के साथ सोचे। आई होप कि आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा, वीडियो को पॉज कर लो वरना। एक केस ये बना सकते हैं हम, देखो मैं पहला केस रब कर रहा हूं कि लिफ्ट की केबल वायर टूट गई है और जो लिफ्ट है लिफ्ट इज इन फ्री फॉल, लिफ्ट फ्री फॉल में आ गई है, ठीक है। अगर लिफ्ट फ्री फॉल में है तो देखो सिनेरियो क्या होगा बच्चों, ये पर्सन, ये लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही है a इज इक्वल टू g से, अगर फ्री फॉल में तो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ कितनी होगी बच्चों, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ कितनी होगी a इज इक्वल टू g, नॉर्मल रिएक्शन आर ऊपर की तरफ, बॉडी का वेट mg नीचे की तरफ, क्योंकि लिफ्ट नीचे ही गिर रही है तो मैं लिख रहा हूं mg ज्यादा है r से, तो नेट फोर्स क्या हो गया mg माइनस r, एंड दिस नेट फोर्स विल प्रोड्यूस सम काइंड ऑफ एक्सेलरेशन a, बट क्योंकि लिफ्ट फ्री फॉल में तो यहां पर क्या केस है a इज इक्वल टू c, तो यानी कि mg माइनस r इक्वल्स टू mg, mg से mg उड़ा दो तो नॉर्मल रिएक्शन क्या आ गया जीरो। तो भैया इसका ये मतलब है कि आपकी बॉडी वेटलेस हो गई है इस केस में, बिल्कुल वो फीलिंग आएगी कि भाई अगर आप छलांग मारते हो, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जब आप छलांग मारते हो एक बिल्डिंग से तो आप जब तक मीडियर हो तो आप तब तक वेटलेस हो, आपका वेट तब बैलेंस होगा जब आप किसी ग्राउंड से टकराओगे और नॉर्मल रिएक्शन और mg, वहां पर आपको फील आएगा कि भाई धरती मिल गई है और एक फोर्स ने आपको रोक दिया है, राइट। उस केस में आप बोलोगे कि आपका आर एम जी के इक्वल आ गया, क्लियर। तो मिड एयर में आप क्या हो, वेटलेस हो बच्चों, क्लियर। यही फीलिंग आपको स्पेस में आएगी, स्पेस में भी आपका क्या वेट कहीं पर भी बैलेंस नहीं हो सकता, है ना। तो इसको नोट डाउन कर लो, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था आज का, कुछ आगे चलते। तो बच्चों आज आपको एक और कंसेप्ट कराता हूं, इसको बोलते हैं रोप मंकी प्रॉब्लम, ठीक है। जैसे हमने भी लिफ्ट वाला केस किया है वैसे ही ये बंदर वाला केस भी समझ लो, ठीक है, काम आएगा बहुत। एचसी वर्मा जैसी किताब उठाओगे तो वहां बंदर वाले क्वेश्चन आपको मिलेंगे देखने को। देखो अगर एक बंदर एक रस्सी के ऊपर चढ़ेगा तो क्या होगा, और अगर एक बंदर रस्सी से नीचे की तरफ उतरेगा, सॉरी फॉर दिस बंदर, ये बंदर मकड़ी जैसा बन रहा है लेकिन आप इसको प्लीज सही सा बना लेना, तो ये हो गया टेंशन टी ऊपर, यहां पर भी टेंशन टी ऊपर की तरफ। तो बच्चों देखो जरा, बच्चे इस पर बहुत शोर मचाते हैं कि भाई ये बंदर वाला क्वेश्चन नहीं होता, कि बंदर वाला क्वेश्चन कैसे करे, तो बहुत इजी होता है। देखो अगर ये बंदर ऊपर की तरफ जा रहा है, अब देखो नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस तो कर नहीं रहा है, एक तो है टेंशन, देखो कितने फोर्स लग रहे हैं, ऊपर की तरफ लग रहा है टेंशन टी, नीचे की तरफ बंदर का मास एम जी, लेकिन ये बंदर अगर ऊपर की तरफ जाने लग जाए तो बंदर के अंदर जो एक्सेलरेशन है वो ऊपर की तरफ आ रही है, तो यानी कि इस केस में टी ज्यादा हुआ एम जी से तभी बंदर ऊपर की तरफ जा रहा है, तो T माइनस एम जी शुड बी इक्वल टू एम ए, तो यानी कि जो टेंशन इन द रोप आएगी उस केस में क्या आएगी, G प्लस ए, यानी कि बंदर अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो टेंशन क्या इंक्रीज कर जाएगी, या मैं ये बोल दूं कि अगर बंदर ऊपर की तरफ जाएगा तो ये खिंचाव बहुत ज्यादा हो जाएगा और रस्सी टूटने का खतरा बढ़ जाएगा। एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, वो मैं क्वेश्चन साथ साथ डिस्कस करूंगा आपसे। अगर ये बंदर नीचे की तरफ उतरे रस्सी से तो देखो इसका वेट नीचे की तरफ कितना एम जी, यहां पर देखो अगर मैं वही फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊ, ऊपर की तरफ रोप पे टेंशन लग रही है टी, नीचे की तरफ एम जी और बंदर भी जा रहा है नीचे की तरफ, तो यहां पर समझ आ रहा है कि भाई एम जी इस पर ज्यादा है माइनस टी इक्वल्स टू एम में, और यहां पर जो टेंशन आएगी इन द रोप वो क्या आएगी, जी माइनस ए, ठीक है बच्चों। चलो अब कंसेप्ट को देखते हैं। अगर मैं आपको ये बोलू बच्चों कि मान लो ये बंदर है 60 kg का और मैक्सिमम टेंशन जो रोप बियर कर सकती है वो है 600 newton, राइट। किस केस में रस्सी टूटेगी, एक केस में बंदर ऊपर जा रहा है 2 m/s² से और दूसरे केस में बंदर नीचे आ रहा है 1 m/s² के केस से, किस केस में रस्सी टूटेगी, तो जिस केस में टेंशन की वैल्यू 600 newton को एक्सीड कर जाएगी उस केस में रस्सी टूट जाएगी और बंदर ये नाले में गिर जाएगा, राइट। तो देखिए पहले केस में जो टेंशन आएगी वो क्या आएगी, मास ऑफ द बंदर 60, जी की वैल्यू 10 और ए कितना है भाई इसका 2, तो इससे पता लग रहा है ये आ रहा है 720 newton। तो भाई अगर बंदर इस रस्सी पे ऊपर की तरफ चढ़ेगा जिसकी मैक्सिमम टेंशन ही 600 newton है, जैसे कि कभी आप लिफ्ट में जा रहे हैं तो वहां पर लिखा आता है मैक्सिमम कैपेसिटी 5 people या मैक्सिमम कैपेसिटी 500 kg, तो इसका मतलब ये है कि अगर 500 kg into g उस
फ्लोर पर फोर्स लगाएंगे नीचे की तरफ तो केबल वायर टूट सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ कि अगर टोटल 600 न्यूटन या उससे ज्यादा फोर्स लगा तो रस्सी टूट जाएगी। इस केस में 720 आ गया तो यानी कि रस्सी यहाँ पर ब्रेक हो जाएगी। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर अगर हम देखें तो भाई ये रहा फॉर्मूला, टेंशन यहाँ पर कैसे आएगी, एम जी माइनस ए, ऐसे निकालेंगे हम। तो टेंशन टी, मास कितना है 60, 10 माइनस एक्सेलरेशन कितनी वन, तो ये आ जाएगा 9 × 60, तो 540 न्यूटन। इस केस में बंदर सेफली रस्सी पर चढ़ सकता है, ठीक है। इस केस में बंदर सेफली रस्सी पर चढ़ सकता है। तो ऐसे हम बंदर वाले क्वेश्चन को टैकल करते हैं अगर कभी आ जाए कि भाई रस्सी टूटेगी या नहीं टूटेगी। तो बंदर ऊपर जा रहा है तो टी को एम जी प्लस ए से बैलेंस कर दो, अगर बंदर नीचे जा रहा है तो टी जी माइनस ए से बैलेंस कर दो। बंदर कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है तो वेलोसिटी कॉन्स्टेंट तो एक्सेलरेशन जीरो, तो यानी कि टी एम जी से बैलेंस होगा, ठीक है। तो ये चीजें है बच्चों, दिस इज रोप मंकी प्रॉब्लम, और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई आपको प्रॉब्लम आएगी। बेसिक के साथ चलो यार, बस आपको बैलेंस करने आने चाहिए फोर्सेस, ठीक है। इसको भी नोट डाउन कर लो, ये भी नोट डाउन करने वाली चीज है बच्चों। तो बच्चों अब आपके सामने आपको ऐसा नजर आ रहा है कि एक गधा एक कार्ट को खींच रहा है, या मेरे ड्राइंग का प्लीज मजाक मत उड़ाना, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं बच्चों हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम, ठीक है। मैं आज आपको एक ऐसा लेक्चर दे रहा हूं जिसमें आपको सभी तरह की प्रॉब्लम्स मैं डिस्कस कर रहा हूं जो सीबीएसई लेवल तक आ सकती है, ठीक है। तो ये भी एक ऐसी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। तो आपको ये बताना है कि ये जो घोड़ा है, ये घोड़ा है, ये इस कार्ट को खींचेगा तो एक्सेलरेशन क्या होगी इस कार्ट की, राइट। अच्छा पहले ना मैकेनिज्म समझते हैं सारा का सारा, एक्चुअल में क्या हो रहा है। देखो सारे फोर्सेस निकालता हूं, ठीक है, सारे फोर्सेस निकालते हैं इसके अंदर। मान लो घोड़ा जो सामने की तरफ फोर्स लगा रहा है वो लगा रहा है एफ एच, फोर्स ड्यू टू हॉर्स। घोड़े का जो नीचे की तरफ वेट होगा वो क्या होगा, एम जी। और इस पर ग्राउंड ने फोर्स क्या लगाया, नॉर्मल रिएक्शन, इसलिए घोड़ा चल रहा है, घोड़ा उड़ नहीं रहा है। अगर आर ज्यादा हो जाता तो इसके इन केस घोड़ा उड़ने लग जाता, ठीक है। तो यहां तो वर्टिकली तो सब कुछ बैलेंस हो रहा है, ठीक है। अब देख यहां पर टेंशन टी जनरेट हुई, सिमिलरली यहां पर ये टेंशन टी इस तरह से है ना, घोड़े के मास के अपोजिट और कार्ट के मास के अपोजिट टेंशन टी, एक ही स्ट्रिंग है तो टेंशन टी। अब आप ये देखो बच्चों कि ये कार्ट तब चलेगी, अच्छा कार्ट को रोकने के लिए क्या ग्राउंड में फ्रिक्शन होगा, कुछ ना कुछ फ्रिक्शन मैं आपको पढ़ाऊंगा, अभी वैसे टॉपिक नहीं आया, बट फ्रिक्शन आपको कहीं ना कहीं पता होगा कि कोई भी चीज को मूव कराने के लिए आपको एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ता है, क्योंकि ग्राउंड के साथ वो जो बॉडी टच में है तो वहां पर कहीं ना कहीं फ्रिक्शनल फोर्स है। डिटेल में बताऊंगा फ्रिक्शनल फोर्स, अभी आप समझो कि ऐसा फोर्स जो किसी बॉडी की मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करता है उसको फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल इतना याद रखो। तो यहां पर पीछे की तरफ क्या लग रहा होगा, फ्रिक्शनल फोर्स, क्योंकि कार्ट आगे की तरफ जा रहे है ना, तो इसलिए मैं बोल दूंगा यहां पर कि भाई फ्रिक्शनल फोर्स कहीं ना कहीं काउंटर बैलेंस कर लिया गया है सामने घोड़े के द्वारा, तभी आगे की तरफ मूव कर रहा है। देखो घोड़ा तब तक इस कार्ट को नहीं खींच पाएगा जब तक घोड़े का फोर्स ग्रेटर देन ना हो जाए फ्रिक्शनल फोर्स से, ठीक है। घोड़े का फोर्स जब ग्रेटर देन फ्रिक्शनल फोर्स होगा तभी आगे खींच पाएगा। अगर यहां पर मैं बोलूं कि फ्रिक्शनल फोर्स घोड़े के खुद के फोर्स से ज्यादा है तो भाई कार्ट मूव कभी नहीं कर सकती, तो ये बात अपने को पता होनी चाहिए, क्लियर। तो अब देखते हैं कहानी पूरी, मुझे क्या निकालना है यहां पर, एक्सेलरेशन। क्या इस पूरे कंसेप्ट में जो घोड़े की सामने की तरफ एक्सेलरेशन होगी वही कार्ट की सामने की तरफ एक्सेलरेशन होगी? तो इसका मतलब यहां पर ना दो एफबीडी बनाते हैं हम, ठीक है। दो एफबीडी कैसे बनाएंगे, मान लो कि भाई घोड़े को अलग कर लो यहां से, ठीक है। घोड़े पर लगने वाले फोर्सेस देखो, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस देखो, घोड़ा सामने जा रहा है तो सामने की तरफ क्या लग रहा है, एफ एच। पीछे की तरफ क्या लग रहा है, टेंशन टी। तो बेटा कहीं ना कहीं एफ एच टी से ज्यादा, तभी तो एक्सेलरेशन सामने की तरफ है। तो मैं क्या लिख रहा हूं, एफ एच माइनस टी, डेट इज प्रोड्यूसिंग मास ऑफ फोर्स इनटू एक्सेलरेशन। घोड़े के अंदर एक्सेलरेशन क्यों आ रही, क्योंकि बेटा एफ एच टी से ज्यादा, इसलिए एक्सेलरेशन आ रही है सामने की तरफ। अच्छा ओके, तो अब ऐसे ही फ्री बॉडी डायग्राम कार्ट के लिए बनाया हम, यहां पर लिख देता हूं मैं फोर हॉर्स, ठीक है। फोर हॉर्स, फोर्स ऑफ फोर्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन इज ग्रेटर देन टेंशन इन बैकवर्ड डायरेक्शन, दैट्स व्हाई देयर इज एक्सेलरेशन इन मास ऑफ फोर्स। नाउ अगर हम बात करें अब इसकी कार्ट की, फॉर कार्ट, कार्ट के लिए देख क्या बेटा, कार्ट ये रही सामने की तरफ क्या लग रहा है टी, पीछे की तरफ क्या लग रहा है फ्रिक्शनल फोर्स, और सामने की तरफ कार्ट मूव कर रही है, यानी कि कार्ट के लिए कहीं ना कहीं टेंशन ज्यादा है फ्रिक्शनल फोर्स से,
डेट्स वाई एम सी ए कार्ट के अंदर एक्सेलरेशन आई. क्लियर? तो ये लो दूसरी इक्वेशन तैयार कर दिया. अब एक्सेलरेशन निकालना कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है. दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, साफ साफ पता लग रहा है. जब दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो आपको नजर आ रहा है टी से टी एलिमिनेट हो जाएगा, तो क्या बचेगा बच्चों? एफ एच माइनस एफ. देखो एफ एच माइनस एफ इक्वल्स टू एम एच प्लस एम सी, कॉमन ले लो ए, है ना. ये दोनों में ए कॉमन है तो ए कॉमन ले लो. यहां पर ये वही पुली ब्लॉक सिस्टम की तरह आ गया आपके पास. फोर्स ऑफ होर्स अप्लाइड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन माइनस फ्रिक्शनल फोर्स एफ एच प्लस एफ सी, सॉरी एम एच प्लस एम सी, यानी कि आई होप आपको नजर आ रहा होगा, अब देख पा रहे होंगे आप. देखो ठीक है, ये देखो जरा इक्वेशन. एफ एच माइनस एफ यानी कि घोड़ा अगर सामने की तरफ 10 न्यूटन लगाए और फ्रिक्शन पीछे की तरफ 9 न्यूटन हो तब जाकर ये मूव कर सकते हैं ना. तो तभी यार एफ एच माइनस एफ एक पॉजिटिव वैल्यू होगी, तभी एक्सेलरेशन पॉजिटिव मिलेगी आपको. तो एफ एच माइनस एफ अपॉन में एम एच प्लस एम सी, डेट्स वाई यू आर हैविंग एक्सेलरेशन ए. जस्ट थिंक अबाउट दिस सिनेरियो कि एफ एच और एफ इक्वल हो जाए, यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स भी 10 न्यूटन, घोड़े का फोर्स भी 10 न्यूटन, तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगी? बाय डिफॉल्ट जीरो आ जाएगी भाई. अगर फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा हो गया, घोड़े का फोर्स कम हो गया, तो एक्सेलरेशन क्या आ गई? नेगेटिव आ गई इस केस में. क्लियर? तो इस तरह से घोड़े को अगर इस कार्ट को सामने की तरफ खींचना है तो घोड़े का लगाया गया फोर्स खुद का इसके टायर पर लगने वाले फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा होना चाहिए, तब ये इसको आगे खींच पाएगा. तो बच्चों आई होप कि आपको ये घोड़े वाली प्रॉब्लम भी समझ आ गई होगी. मंकी प्रॉब्लम, लिफ्ट प्रॉब्लम और एलिवेटर प्रॉब्लम, क्लियर, पुली ब्लॉक प्रॉब्लम, तीन चार प्रॉब्लम जो आपसे डिस्कस करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कंसेप्चुअली और सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है, इसको भी नोट डाउन करो. आई होप कि आपको लेक्चर में आज नोट्स बनाने में मजा आ रहा होगा, क्योंकि लेक्चर बहुत अच्छा रहा और मेरे हिसाब से सभी कंसेप्ट एक लेक्चर में आपको और कहीं यूट्यूब वीडियो पर नहीं मिलेंगे. ऐसे अलग अलग वीडियोज होगी अलग अलग कंसेप्ट के, लेकिन एक ही वीडियो में सभी कंसेप्ट ऐसा नहीं है कहीं पर भी. सो बच्चों आज का जो कमेंट बॉक्स क्वेश्चन है वो आपके सामने ये रहा. दिस इज योर ब्यूटीफुल सा कमेंट बॉक्स क्वेश्चन, और मुझे पूरी उम्मीद है कि बच्चे इस पर बहुत एफर्ट करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. तो बच्चों इस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है कि एक पुली ब्लॉक सिस्टम है जिसमें एक मास एम1 है एक मास एम2 है, और कहानी के अकॉर्डिंग जो मुझे एम2 है ग्रेटर देन एम1 नजर आ रहा है यहाँ पर, है ना. आपको यह बताना है कि M1 रेशो M2 क्या होगा अगर इस पूरे सिस्टम की जो एक्सेलरेशन है वो G बाय 8 है. ठीक है, अगर पूरे सिस्टम की जो एक्सेलरेशन है वो G बाय 8 है तो M1 M2 का रेशो क्या होगा? 3:7, 7:9, 5:3 या 4:7. तो एक ऑप्शन को टिक करो और आप इसको कोशिश करो कि आप इसको सॉल्व कर सको. तो इसी के साथ इस लेक्चर को ओवर करते हैं, ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं बनाते. जो अगला लेक्चर होगा वो प्योरली न्यूमेरिकल बेस्ड होगा, और इसमें एक दो कंसेप्ट और अच्छे अच्छे कराऊंगा. तो जनरली मैकेनिक्स के लेक्चर मेरे ऑलमोस्ट एक एक घंटे के बन सकते हैं, क्योंकि मैकेनिक्स बहुत गहराई है मैकेनिक्स के अंदर, और बहुत अच्छे अच्छे मुझे मतलब क्वेश्चंस आपको कराने को मिलेंगे और आपको सीखने को मिलेंगे. तो बच्चों चैनल के साथ जुड़े रहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो ये है कि आप लोगों की वजह से इस चैनल पर बड़ी जल्दी 500 सब्सक्राइबर होने वाले हैं. राइट, कभी मैंने सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी मतलब हम इस मुकाम तक पहुंचेंगे, बट कोई बात नहीं. शुरू के 500 सब्सक्राइबर से एक दिन इस पर 50K भी सब्सक्राइबर होंगे, 5 मिलियन भी होंगे, अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहे तो. इसी के साथ बच्चों विदा लेता हूँ आपसे, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में कमेंट बॉक्स क्वेश्चन के साथ.